हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाली हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहता है ये? कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने एडिटिव इनवर्स बेटा फाइंड करना है, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी। अगर कोई भी डिजिट पॉजिटिव है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नेगेटिव में। और अगर कोई भी डिजिट नेगेटिव है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पॉजिटिव में। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो हम पहला पार्ट उठा लेते हैं जो कि है 2/8। अब हमें इससे कहा जा रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। तो अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो हम इसको क्या कर देंगे? नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है? जिसके आगे कोई साइन नहीं होता यानी कि वो पॉजिटिव होता है, राइट? तो यानी कि 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/8। सेकंड पार्ट अगर हम मूव करते हैं तो क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है -5/9। अब अगर हमें बोला जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसका क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? दैट 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। ठीक है, तो ये नेगेटिव था तो हमने इसको क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव का साइन दिखाना जरूरी नहीं होता, ठीक है? ये अंडरस्टूड होता है कि अगर पॉजिटिव का साइन नहीं है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर एग्जाम में एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन आया, जो कि आता भी है 1 मार्क में, तो मैम ये वाला पार्ट जरूर देगी। व्हाई? बिकॉज आई विल टेल यू। इसमें क्या है कि -6/-5। अब यहाँ पर बच्चा लिखता है माइनस, और सीधा जो बच्चा आंसर लिख के आता है वो लिख के आता है 6/5, क्योंकि उसने माइनस देख लिया। और यही पे बेटा ये आपका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, कैसे? अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से होगा इसका आंसर। अगर -6 और -5 है, सबसे पहले तो आप इसको कट करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जो हमारी क्वेश्चन बना या सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो क्या है? 6/5। अब बेटा आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो यानी कि अगर ऊपर नीचे सेम साइन है तो आप उसे पहले रिमूव करो और फिर ये आपका क्वेश्चन बना है। अब आपको थर्ड पार्ट जो है ना वो बेसिकली ये है। अब आप मुझे बताओ कि अगर दोनों तरफ प्लस है तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप लिखोगे -6/5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आया? ठीक है, तो यानी कि अगर कभी भी ऊपर नीचे माइनस होगा, हम पहले उसे कट करेंगे, वो डिजिट पॉजिटिव बन जाएगी और फिर हम उसके एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि -6 और -5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, तो वो है -6/5। ओके, इसीलिए थोड़ा सा ना मैम देती है कि इसमें दिमाग लगे बच्चों का। नेक्स्ट जो है आपका वो है 2/-9। तो हम क्या लिखेंगे? 2/-9 का एडिटिव इनवर्स निकालिए जल्दी से। हम इसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे? जब कभी भी नीचे माइनस होता है कहाँ ले आते हैं? हम ऊपर ले आते हैं। मैंने आपको समझाया था नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो बात एक ही है, लेकिन आप हमेशा ऊपर लेके आओगे। ओके, तो अब क्या दे रखा है यहाँ पर? आप इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत ही इजी है कि अगर -2/9 है तो माइनस है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्लस में। तो -2/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 2/9। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 19/6, वो भी माइनस का। तो 19/-6, अगेन आप इसको माइनस को ऊपर ले आइए जी। आप इसका एडिटिव इनवर्स जल्दी से आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगी। ओके, तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा 19/6। व्हाई? बिकॉज ये नेगेटिव था और नेगेटिव का हमेशा एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आता है बेटा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए हैं, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू।